हाय गाइस, तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मेरे भैया की शादी में। एंड मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, मेरे पास इतना टाइम था लिटरली, एंड मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया सोचते हुए कि हो जाएगा। एंड लास्ट मिनट में मेरे पास कोई भी कपड़े मेरे को नहीं मिल रहे हैं। सो पता नहीं क्या होने वाला है। 11 बजे तक हमें पहुँचना है भवन, लेकिन मुझे कपड़े लेने भी जाना है। एंड हमारा घर बन रहा है तो वहाँ भी कुछ काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। आगे मैं आपको पूरे व्लॉग में शूट करके दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या होगा। लेट्स होप कि सब सही से हो जाए। बाय द वे, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, इसकी हालत क्या हो रखी है। दिस इज हाउ माई रूम इज लुकिंग राइट नाउ। पूरा मैस हो रखा है, सो इग्नोर दिस। एंड मैंने कल मेहंदी का फंक्शन था तो मैंने सारी मेहंदी लगवा ली अपने हाथों में, पता नहीं कितने सालों की कसर पूरी कर ली है। एंड कलर भी अच्छे से आ गया है, मैंने आते ही धो लिया था इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चिपचिप सा हो रहा था मुझे। दिस इज़ हाउ माई मेहंदी इज़ लुकिंग। एंड मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने लगा दिया है। मे बी कल तक कलर अच्छे से आ जाएगा। तो एक ही फंक्शन है जिसका मैंने वीडियो से रिकॉर्ड नहीं किया था, मेहंदी के फंक्शन का। ये मेरी मम्मी की हाथों की मेहंदी थी। एंड ये जो लग रहा है ना, ये मेरे हाथ की मेहंदी है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। ये मेरे मामी के हाथ की मेहंदी है। सब लोगों ने डिसाइड तो किया था कि वो ग्रीन पहनेंगे, बट लास्ट मोमेंट सब कुछ भी कुछ पहन के आए हुए थे। बहुत कम लोगों ने उस ग्रीन थीम को फॉलो किया था। एंड सबकी मेहंदी बहुत ही खूबसूरत सी लगी थी। ये सारी मेरी मामियाँ हैं। ये है मेरी मामी जिसके हाथों में पूरी अच्छे से मेहंदी लग चुकी है। बाय द वे, आगे का पार्ट मैं आपको पूरा शूट करके दिखाने वाली हूँ। ओके गाइस, तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैंने बाल वॉश कर लिया है, जाके मैं वहाँ स्ट्रेटिंग करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। एंड पूरा लुक मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ। धूप है तो थोड़ा दिख रहा होगा आपको कैसा हुआ है। जितना टाइम मिला उसने मैंने पूरा मेकअप को किया है। सो नाउ लेट्स गो, आगे आप लोगों को मिलती है। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं शादी के लिए। पहुँचना था हमें 12 बजे, लेकिन हमें बच चुका है अभी 2। मेरी मम्मी को तैयार में बहुत ज़्यादा लेट लग रहा था, इसलिए हमें लेट हो गया है। सो वी आर अप टू ऑन सुनीता पार्क। और हमारे साथ में है मेरी दीदी, मम्मी और मैं। वी आर फाइनली हियर, अब पहुँच चुके हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग। सो इस वाले भवन में ना पहले भी दीदी की शादी हो चुकी तो मुझे पता है कैसा दिखता है। एंड यहाँ का डेकोरेशन वगैरह भी ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। स्पेशली ये जो हल्दी वाला जो डेकोरेशन उन्होंने किया था ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। इतनी गर्मी में लोग शादी क्यों करते हैं? यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है ना गर्मी में शादी में लोगों की हालत। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी यार, तो रूम में आने के बाद में मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपना लुक दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो यार ड्रेस अच्छी लगी थी, जितना मैंने प्लान नहीं किया था उस हिसाब से ड्रेस तो बहुत प्यारी आई थी। इसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं एक फंक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ हम अपनी कुल देवी की पूजा पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो रही है माँ परमेश्वरी की पूजा। कोई भी फंक्शन करने से पहले इनकी पूजा ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर सभी उनकी पूजा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। ये मेरे भैया, ये भी यहाँ पर माता की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद सारा फंक्शन स्टार्ट होएगा। तो माता की पूजा के बाद में ये फंक्शन सारा स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे दीदी लोग मड़वा गड़ा रहे हैं, इसके बिना हमारे छत्तीसगढ़ में शादी नहीं होती है। मुझे पूरा इसका मतलब तो नहीं पता कि क्या कैसे होता है, बट ये सारी काम दीदी लोग करते हैं। इसके बाद हम तो निकल गए थे भाई पेट पूजा करने के लिए। सुबह से भूख लग रही थी बहुत तेज़, मुझे बहुत टाइम हो गया था खाना खाया, नाश्ता किया था मैंने घर में सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से खाना खाया, खाना भी बहुत ही टेस्ट। सो सडनली मौसम चेंज हो चुका है। आम कलर थी इसका, आम के पेड़। यहाँ पे ना सडनली मौसम चेंज हो गया था, बहुत गर्मी से बहुत ज़्यादा बारिश। तो मेरी मम्मी मुझे यही बता रही थी कि भैया ने कढ़ाई में खाना खाया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मौसम चेंज हो रखा है और बारिश हो रही है इनकी शादी में। सो या बट मौसम अच्छा हो गया, सबका मूड भी अच्छा हो गया था। सो मैं फाइनली अपने रूम में जा रही हूँ सबसे मिलने के बाद में, मुझे भी आराम करना है थोड़ी देर एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पैर की हालत थोड़ी ख़राब है। मेरे घुटने का थोड़ा सर्जरी वगैरह होने वाला है, तो मेरी हालत उतनी ज़्यादा चलने की नहीं थी, इसलिए मैंने रेस्ट किया। बाय द वे, उठने के बाद में ये रहा मेरा ड्रेस। एंड इसके बाद चलने वाले हम लोग फंक्शन में। नीचे सब फोटोशूट वगैरह चल रहा था। एंड आगे ना हमारे एक और फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाय द वे, जो ग्रीन शर्ट में है ना, ये मेरे पापा हैं। एंड सो अभी फोटो सेशन चल रहा है। क्यों पापा, फोटो सेशन चल रहा है? अच्छा, घर जाओगे आप?
मम्मी क्वीन टाइप लग रहे हो आप। ये यहाँ पे मेरे पापा मम्मी का फोटो शूट चलते हुए। सो आज के दिन में संगीत एंड चुलमाटी का फंक्शन था, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस चूज़ की थी। इसे मैंने अपने फेयरवेल में पहना था। नहीं, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। ये जो ड्रेस है ना, ये बिल्कुल शादी वाला वाइब तो नहीं दे रहा है, बट क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी कुछ पहनना नहीं चाहती जिससे मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पर मैंने ये गाउन वेयर किया था एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करा रहा था। इसके बाद सब तैयार होकर यहाँ मेन एरिया में आ गए थे जहाँ पे सारा फंक्शन होने वाला था एंड स्टेज इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। सो आई वाज लिटिल हंग्री एट दैट टाइम, तो मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट आलू टिक्की चाट खाई थी एंड बहुत ही टेस्टी बना था यार यहाँ का ये वाला खाना भी। सो यहाँ पे हम जूता छुपाने की रस्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मत जाना रे। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेहमान नहीं, घर का सदस्य हनु। हनु चुमचुम कहाँ है? कितना सुंदर पहनती है, अच्छा लगती है। इसके लिए पायल लिए थे ना ताई जी? लाए पता नहीं कहाँ रखा है, उस दिन तो पहनी। हनु पायल पहनेगा हनु। अब इसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो है चुलमाटी का, तो मैं आपको ऐसे पूरा ब्रीफ में तो नहीं बता सकती लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ। इस फंक्शन में ऐसे एक पर्रे के ऊपर में सारा कुछ सामान लेके हम जाते हैं एंड आगे कुछ दूर चलने के बाद में कहीं की मिट्टी को हम ऐसे खोद के वापस लाते हैं। पता नहीं अब इसका कुछ तो मतलब होता होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऐसा मैं बिल्कुल बारात जाए टाइप लगता है। तो इसके अंदर में ना कुछ कुछ सामान होता है जो वहाँ पे हम मिट्टी की पूजा करते हैं और वहाँ पर की मिट्टी को हम लेके आते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो दूल्हे की बहन करती हैं या मामी करती हैं शायद, पर ये जो फंक्शन है अभी फ़िलहाल तो मेरी दीदी कर रही है। ये सारे चुलमाटी के लिए निकलने वाले हैं एंड क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत था तो मैं तो जा नहीं पाई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर शूट करके दिखा रही हूँ एंड बहुत ही प्यारा फंक्शन है यार ये। सो नाउ सब यहाँ से अभी निकल रहे हैं इस फंक्शन के लिए। जब ये वापस आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या होने वाला है। सो चुलमाटी से वापस आने के बाद में हम सब बारात के लिए निकलने वाले थे, तो यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जब बारात जाती है तो जो दूल्हे की बहन होती है वो सारा ये सामान पकड़ के लेके जाती है और दुल्हन के घर के लिए। तो हम लोग का चेहरा आप देख के समझ ही सकते हो, बहुत ज़्यादा ही हैवी सा सामान था। इसके अंदर फ्रूट्स एंड कुछ कुछ और सामान पैक करके रखा गया था। दिस इज़ द लॉर्ड माई सिस्टर्स, ये जो बीच वाली है ये मेरी मामा की बेटी है एंड ये जो है भैया की दादी के परिवार की लड़की हैं एंड ये रहा भैया। भैया का मेकअप मैंने किया हुआ है तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा था। एंड हम सब यहाँ पे रेडी हैं लाइन से निकलने के लिए एंड बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा था यार, इसलिए चेहरा ऐसा बना रही हूँ मैं। पर क्योंकि एक ही भवन में शादी थी तो हमें बस घूम के वहीं वापस जाना था। एंड ये जो है भाभी के पापा हैं, ये हमारे पैर को धुला रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो जैसे ही एंट्री करती है सबका ऐसे पैर धुलाया जाता है एंड उसके बाद हमने सारा सामान निकाला अपने सर से, बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील हुआ था। नाउ आगे के फिर यहाँ पे जो है वो फंक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे पापा वगैरह इन सब एक दूसरे की थोड़ी सी ऐसे रस्में कर रहे हैं। ये रहा भाभी का एंट्रेंस। तो आज के दिन में ना अभी सगाई होने वाली है और उसके बाद में संगीत का फंक्शन भी होने वाला है। तो भाभी जो है ना बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप देख सकते हो। इनका ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भैया भाभी ने मैच करके ड्रेस लिया हुआ था। आजकल तो ऐसे सभी लोग ऐसा लेते हैं एंड दिस इज़ हाउ माई भैया इज़ लुकिंग इन स्टेज। तो स्टेज में यहाँ पे दीदी जीजू एंड भैया बैठे हुए थे। नाउ यहाँ पे ये सगाई का फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, रिंग एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था इस स्टेज के साथ में, आप देख सकते हो एंड दे आर लुकिंग वेरी क्यूट टुगेदर। तो अगर अभी आप लोग भी देख रहे होगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। एंड इसके बाद मैं तो गई सीधा खाने पे जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी ऐसा ट्राई करके देखो गुलाब जामुन एंड खीर, बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैं वही कर रही थी। अगेन मैं आपको यहाँ पे भैया भाभी को दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं साथ में एंड यहाँ पे इनका ये शूट चल रहा है। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, अभी संगीत का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स गो एंड आपको दिखाती हूँ अच्छे अच्छे डांस। Let's go.
संगीत का कार्यक्रम ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 2 बज गए थे एंड यहाँ पे मेरे पापा ताऊ जी एंड हनु सब घर जाने का सोच रहे थे वापस में, तो यहाँ पे ताऊ जी डिसाइड कर रहे हैं कि इस फंक्शन में लेके जाएं या नहीं। एंड फाइनली ताऊ जी ने इसे ऊपर ले गया स्टेज पे, सब तो डर गए थे लेकिन ये बहुत ही प्यारा गुड बॉय है हनु, तो यहाँ पे इसका फोटो सेशन वगैरह चल रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये स्टेज में से खड़े होके। एंड यहाँ पे ना नई नई भाभी जो है वो हनु से मिल रही थी, उनको थोड़ा डर लग रहा था आई थिंक बिकॉज ऑफ इस साइज़, क्योंकि इसका साइज़ नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से बहुत ज़्यादा ही हैवी है, बट लास्ट में वो सबसे मिल लिया। इसके बाद यहाँ पे ये सुसु करके घर जाने वाला था, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग घर जा रहे थे ऑब्वियसली, हनु को यहाँ पे सबके साथ में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था इसलिए वो घर जा रहा था। तो यहाँ पे मैं इसे टाटा बाय बाय करने के लिए आई थी, साथ में मेरे पापा भी घर वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे सभी को मैंने गुड बाय किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने रूम में गई थी। जब मैं वापस रूम में आई ना तो यहाँ पे सब लोग सो चुके थे, मैंने भी अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, कंफर्टेबल होके सोने का ट्राई किया था क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। एंड मैं आपको मिलने वाली हूँ कल, तो ओके बाय गुड नाइट। पूछने आते हैं शादी में प्लेट देखिए इनका, प्लेट देखिए जरा।